हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया मूली। इसको हम अच्छे से धो लेंगे। हमने मूली को अच्छे से धो लिया है, इसको हमने दो पीसों में कट कर लिया है। इससे हमें कट करने से क्रश करने में आसानी होगी। अब इसको हम क्रश कर देंगे इस तरीके से। मूली को हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, इसको हम तेल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हमने लिया यहाँ पर कढ़ाई, कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया। अब इसको थोड़ा देर गर्म होने देंगे, गर्म होगा तो तेल डालेंगे। अब हमने डाल दिया तेल। हाँ, तेल गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच। अब हम इसमें एक क्रश करा हुआ मूली डाल देंगे। हमने इसमें क्रश करा हुआ मूली सब डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, अनुसार नमक, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अमचूर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम थाली में निकाल लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। इसको अब हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमने लिया दो बड़ी कटोरी आटा, और इसमें हम हमारा क्रश करा हुआ मूली ठंडा हो गया है, इसको हम आटे में मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दो बारीक कटे हुए हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कस्तूरी मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा 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 पानी डालते हुए, ताकि गीला भी ना हो, क्योंकि मूली भी पानी छोड़ता है। बहुत ही आसान तरीका है ये मूली के पराठे बनाने, इससे फटेंगे भी नहीं। यहाँ पर हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया। इसको ज़्यादा टाइट भी ना गूंथे, ज़्यादा गीला भी नहीं, नॉर्मल गूंथे। ये अब हम गोले बना लेंगे, तो ऐसे हम गोला बना लेंगे। अब इसमें हम आटा लगा के हल्के हाथों से फेर लेंगे। हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने गैस पर रख दिया था, तो उसमें गर्म हो गया, तो हमारा गर्म हो गया। इसमें अब हम इसमें तेल लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी तेल लगा देंगे। अब इसको हल्के हाथ से सेकेंगे, ज्यादा टाइट करके ना सेके, इससे हमारे पराठे कड़कड़े हो जाएंगे। हमारा पराठा सिक गया अच्छे से। अब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बना लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे में भी हल्के हाथों से तेल लगा लेंगे। इसी तरह आप सब पराठे बना लें। इसी तरह हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया। ये देखो कि हेलो गाइस, हमारे पराठे बनके तैयार हो गया। आप चटनी, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। जो एक बार बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।